सबसे पहले मैं उज्जैन का ही रुख कर लेती हूं। हेमंत, जय श्री महाकाल, यहां दिखाइए क्योंकि आज 21 लाख दियों का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए वहां। बिल्कुल पूजा, जय श्री महाकाल। हम मौजूद हैं बाबा महाकाल के उज्जैन के मंदिर में, जो प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और यहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व पर 9 दिन पहले से बाबा के अलग अलग श्रृंगार यहाँ पर किए जाते हैं और एक महीने पहले से तैयारियाँ जो है वो शुरू हो जाती है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, दूर दराज से यहाँ पर आते हैं भक्त। और जो आम दिन होते हैं उनमें भी यहाँ पर इसी प्रकार की जो भीड़ है, आप जो देख रहे हैं अभी भीड़, ऐसी भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। और मुख्य तौर पर आज जो यहाँ पर 21 लाख दीपक जलाने का कार्यक्रम है, जिसको नाम दिया गया है शिव ज्योति अर्पणम, उसके तहत उज्जैन नगरी में 21 लाख दीप जलाए जाएंगे। 18 लाख दीपक राम घाट पर जलाए जाएंगे, उसके बाद 4 लाख दीप जो हैं वो उज्जैन के अलग अलग जो मंदिर हैं उनमें जलाए जाएंगे। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद हैं, आशीष पुजारी जी। पंडित जी, महाशिवरात्रि का क्या महत्व है आज? भगवान शिव महाशिवरात्रि महापर्व, भगवान शिव के दरबार में 9 दिन तक यहाँ पे शिवरात्रि महापर्व बनता है। शिवरात्रि का महत्व यही है कि भगवान शिव का आज प्रकट उत्सव के साथ साथ में क्यों दंती के हिसाब से कहीं पे विवाह भी बनाया जाता है, किंतु बाबा का एकमात्र ऐसा दरबार है जहाँ पे शिव नवरात्रि बनती है। और आज महाशिवरात्रि के साथ साथ में शनि प्रदोष भी आ गया है। शास्त्रों के अंदर आज के दिन भगवान शिव की जब पूजन कर लेता है तो शनि संबंधी जितने भी दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव ने स्वयं शनि को वरदान दिया था, भक्तों को वरदान दिया था कि यदि मेरी जो भक्त शनिवार के दिन पूजन कर लेगा और वह भी प्रदोष काल के समय पूजन कर लेगा तो मैं समस्त प्रकार के कष्टों से हर लूंगा। तो आज बड़ा योग सहयोग बैठा हुआ है कि आज शनि प्रदोष भी आया हुआ है, इसलिए बाबा महाकाल के दरबार में विशेष पूजन अर्चन की जा रही है, राष्ट्र कल्याण की कामना की जा रही है। पंडित जी, 9 दिन पहले से जो बाबा के 9 अलग अलग रूप हैं वो यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। बाबा का 9 रूपों में श्रृंगार होता है, कौन कौन से 9 रूपों में यहाँ पर बाबा का श्रृंगार जो शिवरात्रि के पहले हुआ है? भगवान निराकार से साकार में आते हैं, शिव से शंकर बनते हैं, भगवान वासुकी नाग धारण करते हैं, बाबा महाकाल छबीना के रूप में दर्शन करते हैं, भगवान मन महेश, मन को जो मोल है वो मन महेश के रूप में दर्शन करते हैं, बाबा की गोद में माता पार्वती विराजमान होती है, उमा महेश के रूप में दर्शन देते हैं, भगवान तांडव रूप में भक्त लोगों को दर्शन देते हैं, बाबा शेरे के रूप में भक्त लोगों को दर्शन, अलग अलग जो प्रकृति और पुरुष द्वाभ्याम या दुनिया एवं दुनिया, जो प्रकृति और पुरुष से बनी है वो दुनिया है, समस्त प्रकार के भगवान की जो लीला है उसके रूप में भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। तो देखिए पूजा, यहाँ पर बाबा जो है वो समस्त अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। आप देख सकते हैं कि भक्त आए, कहाँ से आए आप? हम तो यहीं से आए उज्जैन से। बाबा के दर्शन हो गए अच्छे से? बहुत अच्छे से। आज उज्जैन का एक बहुत बड़ा महत्व है, आप उज्जैन के रहने वाले जी, महत्व है उज्जैन का? अरे लाखों लोग तरसते हैं बाबा की एक झलक के लिए, आज बाबा के जो दर्शन करता है, जो मांगता है उसकी वो सारी इच्छा पूरी होती है। तो देखिए पूजा, बाबा के जो दर्शन है उसके लिए, एक झलक के लिए लोग जो है वो यहाँ पर तरसते हैं और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे। देखिए प्रशासन ने जो व्यवस्था यहाँ पर की है, मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं है, बाहर से ही जो दर्शन कर भक्तों को रवाना किया जा रहा है। और देखा जा सकता है कि जितनी भीड़ आप अंदर देख पा रहे हैं उतने ही लाइन जो है वो मंदिर प्रांगण के बाहर लगी हुई है। देखिए जो महाकाल मंदिर है उसमें जो भक्त हैं वो महाकाल के रूप में ड्रेस में पहनकर आते हैं और महाकाल के कुर्ते पहनते हैं। कहाँ से आए आप लोग दर्शन करने? दिल्ली, दिल्ली। और अब बहुत खुशी होती है यहाँ पे आने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इतनी खुशी है कि आप पूछिए मत। क्या मांग रहा है बाबा से? हम यही मांग रहे हैं कि अपनी बात, हमारी मनोकामना के लिए सबको याद है तो हम भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आए। तो देखिए यहाँ पर बाबा से जो है वो मनोकामनाएं मांगी जाती है और कहा जाता है जो उज्जैन का बाबा महाकाल मंदिर है यहाँ पर भक्त जो पहुँचते हैं उनकी हर मनोकामना जो है वो यहाँ पर बाबा महाकाल पूरी करते हैं जी। चलिए बने रहेगा हेमंत, बेहद खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई किस तरह से उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।